हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने खाना बनाने की शुरुआत करी थी गेस्ट के लिए। कल तो मैंने सिर्फ आपके साथ पनीर की रेसिपी शेयर की, लेकिन आज मैं शेयर करने वाली हूँ छोले की रेसिपी। और ये छोले बिना लहसुन प्याज के बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर रात भर मैंने सोख करके छोले रख दिए थे। इनको अच्छी तरीके से मैं एक बार वॉश कर लूँगी, उसके बाद मैं कुकर में इसको चढ़ाऊँगी। और इसके साथ मैं दूसरी गैस पे यहाँ पे चढ़ाने वाली हूँ बनने के लिए चाय का पानी, क्योंकि हल्का सा हमें इन्हें कलर देना है। और छोले के अंदर ही मैं यहाँ पे सारे जो खड़े मसाले हैं, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये इसी के अंदर ऐड करके उबलने में ही डाल दूँगी, ताकि मुझे बाद में ना ज़्यादा समय ना लगाना पड़े। साथ ही में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, और जो चाय का पानी हमने उबाल करके रखा है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको हम सीटी लगा देंगे, अच्छी तरीके से पका लेंगे। 12 से 15 मिनट लगेंगे इसको बढ़िया से कुक होने में। मीन वाइल हम इसका मसाला बना के तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया भी हमें थोड़ा सा पीसना है मसाले के अंदर। साथ ही मैं यहाँ पे टमाटर ले रही हूँ, क्योंकि हम इसमें प्याज यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बढ़िया सी थिकनेस के लिए, ग्रेवी के लिए टमाटर हमें थोड़े से ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। आप देख सकते हैं लगभग हाफ के जी तक मैंने यहाँ पे टमाटर, मे बी उससे ज़्यादा हों, एक दो इतने निकाल करके रखे हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी एक मेज़र टिप यही होगी कि आप लोग हमेशा जो देसी वाले टमाटर होते हैं वो यहाँ पे यूज़ ज़्यादा ना करें। मैंने एक देसी टमाटर यूज़ किया है, और बाकी के जो कलर वाले टमाटर होते हैं, कम खट्टे टमाटर होते हैं, वो यूज़ करें। ढेर सारे टमाटर आप यूज़ करेंगे ना तो छोले बहुत खट्टे बन जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि टमाटर की भी खटास होगी, फिर जो हम मसाला यूज़ करते हैं उसके अंदर अमचूर भी होता है। तो इसीलिए देसी वाले टमाटर ज़्यादा यूज़ ना करें। यहाँ पे मैंने तेल लिया है एक बड़े से पतीले में, इसके अंदर जीरा डाला है, हींग डाला है, लाल सूखी मिर्च डाली है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके मैंने यहाँ पे ये जो पेस्ट बनाया था ये ऐड कर दिया है। हल्दी पाउडर तेल में डाल देने से ना छटका नहीं आता है ज़्यादा तेल का, तो इसीलिए मैंने उसको डाला है। यहाँ पे ये उड़द की दाल है, ये इसमें यूज़ नहीं होगी, मैंने बीच में ऐसे करके दिखाई है। ये उड़द की दाल मैंने रात को भिगो करके रखी थी, जिनकी मैं कचौड़ी करने वाली हूँ, तो इनको मैं मिक्सी में पीसने जा रही थी, तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दूँ। टमाटर वाली जो ग्रेवी होती है ना वो चुटकियों में पकती है, उसमें टाइम नहीं लगता है। जिसमें प्याज होते हैं ना उसको बहुत अच्छे से भूनना पकाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ही देर में तेल जो है वो सेपरेट होने लगा है। तो अभी हमने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और यहाँ पे लगभग 3 बड़े चम्मच तक हमने ऐड किया है छोले का मसाला। तो MDH, एवरेस्ट, जो भी आप पसंद करते हैं वो आप छोले मसाला यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर सब कुछ होता है, सारे मसाले होते हैं, अनारदाना, अमचूर, हर चीज़ होती है। तो कुछ भी आपको ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके छोले बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। अभी ये मसाला हमने डाला था तो इसको फिर से अच्छे से पका लिया है, ताकि ऑयल जो है वो सारा सेपरेट हो जाए। देन हम इसके अंदर थोड़े से छोले ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। इस स्टेप से ना आपके छोलों में एक गाढ़ापन आएगा, जो प्याज से आता है ना वो ऐसे छोले पीस देने से आएगा, और ग्रेवी ना एकदम पतली पतली पानी जैसी नहीं लगेगी। तो छोले हमने अच्छे से डाल करके इतना अच्छे से मैश आपको करना है ना कि वो एकदम मिल जाए ग्रेवी में। उसके बाद हमको यहाँ पे ये छोले ऐड कर देने हैं। अच्छी तरीके से इसको स्टर कीजिए, पानी वगैरह एडजस्ट करना है, नमक एडजस्ट करना है, वो यहाँ पे करके इसको बढ़िया सा आपको दे देना है बॉयल। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें गार्निश के तौर पर दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पहला तो मैंने हरा धनिया यूज़ किया है, दूसरा मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा, मतलब आधा कप के आसपास पनीर। वो जैसे ऐसे पार्टी वगैरह में बनाओ ना छोले, तो उसमें थोड़ा सा पनीर डाल दो तो पता नहीं क्यों अच्छा लगता है। हालांकि ये ज़्यादा कुछ इसमें वैल्यू ऐड नहीं करता है, बिकॉज हम थोड़ा सा पनीर डाल रहे हैं, बट देखने में अच्छा लगता है। तो पनीर डाल दिया, अब वो बॉयल हो रहा है उधर, अभी मैं उसको 3-4 मिनट और बॉयल करने वाली हूँ। तब तक हम उसके लिए एक तड़का बना के तैयार कर रहे हैं। 3 चम्मच मैंने यहाँ पे घी लिया है, इसमें डाला है हींग और जीरा, साथ में डाली है सूखी लाल मिर्च, और ये हमारा तड़का। ये आप स्किप मत कीजिएगा, जब भी आप बनाते हैं ये वाले छोले ना, तो ये तड़का ज़रूर आप देना, आपके छोले में ना 4 चांद लग जाएंगे उसके स्वाद में। तो यहाँ पे गरम गरम एकदम अच्छे से छोले उबल रहे थे, और उसी के अंदर मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया है। बहुत बढ़िया खुशबू आई थी घी की, हींग की, जीरे की, और यहाँ पे छोले का रंग रूप कितना अच्छा आया है आप देख ही सकते हैं।
तो दो मेरी सब्जियां तैयार हो चुकी हैं, छोले भी बन चुके हैं, साथ में पनीर भी बन गया है। और यहाँ पे ये बेबी पोटैटोस थे, इनको मैंने बॉईल करने चढ़ा दिया है। इसकी भी मैं जो मसाले वाले आलू होते हैं ना, जो हम छोले भटूरे के साथ बनाते हैं, वैसा कुछ बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने नमक डाला है, हींग डाला है दाल के अंदर, जो उड़द की दाल मैंने दिखाई थी, थोड़े से हरे धनिया डाले हैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके और आटा डाल दूँगी इसके अंदर। आटे में ही मिक्स करके कचौड़ी बनाने वाली हूँ, पूड़ी भी बनेगी और कचौड़ी भी बनेगी। तो कचौड़ी का आटा मैं अभी पहले से ही लगा करके रख रही हूँ। खाना मैंने बना करके रख दिया है, उसके बाद मैं तैयार होने चली गई थी। अभी मैं रेडी होके और फिर बनाऊंगी प्रसाद, क्योंकि मुझे था खाने का काम एक बार निपट जाए और किचन अच्छे से क्लीन हो जाए, गैस अच्छे से क्लीन हो जाए, फिर मैं प्रसाद बनाऊं। क्योंकि प्रसाद जो मेन है, जो पूजा में चढ़ेगा, खाना पूजा में नहीं चढ़ेगा, वो कोई भोग का खाना नहीं है, वो घर में जो हम खिलाएंगे सबको वो वाला खाना है। बाकी जो मेन प्रसाद हमारा बनता है, पंजीरी बनता है, चंदामृत तो पंडित जी आके ही बनाते हैं। वैसे तो 10 बजे की पूजा का मुहूर्त था, लेकिन 11 बजे आएंगे पंडित जी अभी, और 11 बज चुका है, अभी तक आए नहीं है वो। घर मेरा पूरा सेट हो गया है, बहुत मतलब सुबह से मेहनत कर रहे हैं। पूनम भी आई थी, उसने भी काफ़ी काम करा दिया, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह उसने कर दिया, सारा ये अरेंज कर दिया मैंने। बेडरूम पूरा सेट है, इधर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ड्राइंग रूम भी एकदम सेट हो गया है, ये हमने रख दिए थे उठा के, अब हमने फिर से निकाले हैं। सिद्धार्थ तुम रेडी हो? हाँ रेडी। सिद्धार्थ रेडी है? सिद्धार्थ के पापा रेडी? नहीं नहीं रेडी हैं। हमारी फिशी रेडी? इनको खाना मिला कि नहीं मिला? प्लीज़ दे दो अभी, छोड़ दो, रहने दो, अभी आएंगे तब देगा, दे देना बेटा लेकिन, है ना। हमारे प्लांट्स रेडी, ये पूरा एरिया रेडी, हमारा घर रेडी, और यहाँ पे ये रूम के अंदर ही पूजा होगी, बिकॉज़ मंदिर यहाँ पे है। तो ये आज मिलने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, हवन वाला कहीं किराए पे मिल ही नहीं रहा था, तो फाइनली बड़ी मुश्किल से मिला है। यहाँ सारे बर्तन वगैरह धो करके मैंने लगा दिए हैं। मंदिर भी मैंने आज ही क्लीन किया है, क्योंकि एकदम फ्रेश फ्रेश क्लीन रहता है तो अच्छा रहता है। तो सारे भगवान जी हटा के, आसन हटा के अच्छे से क्लीनिंग हो गया, फूल माला भी धो के रख दिए हैं। इसमें थोड़ी सी आम की लकड़ी है, इसके अंदर पूजा का सारा सामान है, और ये केला पत्ता इधर, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो सामान है जो यहीं से बिलोंग करता है, यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। और सिद्धार्थ की बेडशीट भी हो गई है चेंज। ये हमारी मिठाई और फल, अभी जो है फल मुझे अभी वॉश करने हैं, जो 5 तरह के फल आते हैं ना वो वॉश करके रखने हैं, वो मैं रख दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, बनाने जा रही हूँ मैं पंजीरी, क्योंकि वो मेन प्रसाद है। जब पंडित जी आएंगे ना तो मैं तो फिर बैठ जाऊँगी ना, तो इसमें लग जाएगा आधा घंटा 40 मिनट आराम से। तो मैं फटाफट बनाने जा रही हूँ अभी पंजीरी। और यहाँ दिखा देती हूँ मैं, छोले बना करके मैंने एक साइड रख दिए हैं, और नीचे पनीर की सब्ज़ी है, मैं बाद में दिखाऊँगी। यहाँ पर आलू उबल गए हैं, और ये आटा है, अभी एक साथ और मिलाना है इसको, पर ये कचौड़ी का आटा है। और रायता रखा हुआ है फ्रिज में, आराम से रेस्ट कर रहा है, ठंडा हो रहा है। पंडित जी ने यहाँ पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है, काफ़ी सारी चीज़ें सजा के रखनी पड़ती हैं। तोरण बनता है मेन गेट पे, तिलक और स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है, तो वो उधर कर रहे हैं, मेरा प्रसाद उधर बन रहा था। पंजीरी बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आटा आपको एक लो फ्लेम पे करके ही भूनना पड़ता है।
कह रहे नमस्ते आंटी। सही आंटी? हाँ बहुत सुंदर। ये बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट देता है। मैं तो यूं कह रही कि सब आ गए, मैं लेट हो गई हूँ, मैं सारा काम कर आई और क्या आराम करूँगा। मैंने बोला चलती हूँ, नहीं लेट हो जाऊँ, क्या पता मेरी पूजा पूजा हो जाए, जब जाऊँ क्या इसमें डाल दूँ। और ये पूनम है जो साड़ी में बैठी है, तो सुबह आई थी काम वगैरह करके, सारा निपटा के चली गई थी, किचन बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ। और फिर मैंने इसे कहा था कि तुम आना पूजा में सम्मिलित होना और साड़ी वाड़ी पहन के अच्छे से तैयार होके आना, तो खूब अच्छे से तैयार होके आई थी, तो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज ऐसे साड़ी पहन के तो कभी आती नहीं है क्योंकि काम करना होता है। तो मैंने उससे कहा था कि मैं ऐसे तो तुम्हें साड़ी में कभी देख ही नहीं पाऊँगी, तो तुम ऐसा करना कि पूजा में साड़ी ही पहन कर आना, तो मेरी बात मान करके वो साड़ी पहन के आई है और बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस उसी से मैं बात कर रही हूँ, और फिर धीरे धीरे करके जैसे हम पूजा में बैठे फिर गेस्ट आना भी शुरू हो गए। देखिए ऐसे बुलाने के लिए तो हमारे पास इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है फ्रेंड्स की, मेरे तरफ की जो मेरे फ्रेंड्स बने हुए हैं या मेरे हस्बैंड के हैं और रिलेटिव्स हैं, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि पूरा मतलब घर पूरा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि पूजा में ये मैं बिलीव करती हूँ कि जो ऐसी पूजा हो जिसमें ध्यान लगाना हो आपको बैठ के और भगवान में लीन होना हो, ऐसी पूजा में जितना आपके नियर एंड डियर लोग रहें उतना अच्छा होता है। आपको बहुत ज़्यादा लोगों को अटेंड ना करना पड़े, ज़्यादा आप बॉदर ना हो कि अरे इसने पानी पिया कि नहीं, उसने खाना खाया कि नहीं, और या तो फिर कोई हेल्पिंग हैंड हो आपके पास ऐसा जो पूरे आपके घर को जानता हो और हर चीज़ हैंडल करे, तब फिर अलग बात होती है। अदरवाइज़ पूजा में मेरा मानना यही है कि जैसे आप ऐसे रेगुलर पूजा करते हैं ना कोई, तो उसमें जितने नियर एंड डियर लोग आपके रहें उतना अच्छा होता है, आप ज़्यादा देर अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर पाते हो और आपको कोई बाहरी टेंशन नहीं होती है कि अरे ये करना है, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। इसीलिए मैंने खाना वगैरह भी सुबह सुबह उठ के पूरा बना लिया था। अब वो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं, लाइक मतलब चावल बनाने वाला चीज़ रह गया, पूड़ी और कचौड़ी जो हम तलेंगे वो रह गया है, और आलू फ्राई करने का काम रह गया, उबल चुके थे आलू। तो सबके आ जाने के बाद वैसे भी लेडीज़ मंटली जो होती है वो किचन में ही पाई जाती है हर जगह, तो सभी लोग कई सारे लोग थे जो मेरी मदद किचन में कर रहे थे इसके बाद पूजा के बाद, तो लगभग सभी लोग जो आ चुके हैं। और दो फैमिलीज़ और थी जिनको आना था, उनको मैंने बोला था आने के लिए, लेकिन दोनों में ना थोड़ा सर्दी खांसी और तबीयत ख़राब का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने खुद अपने उसके लिए वो खुद ही नहीं आए। मैंने सुबह सुबह आज भी फ़ोन किया था तो आज भी उन्होंने बोला, दोनों में सर्दी खांसी का ही है। एक और भाभी जी है मेरी जिनके गृह प्रवेश में हम लोग गए थे, अगर आपको याद होगा तो मैंने वहाँ पे व्लॉग भी किया था, तो वो भाभी जी उनको भी सर्दी खांसी काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, उनकी आवाज़ से बहुत लग रहा था। और एक मेरी फ्रेंड है टीना, उसको भी बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी हो रखी थी और उसको एलर्जी बहुत हो रखी थी, तो वो भी नहीं आ पाई। अदरवाइज़ दो फैमिली ये रह गई, इसके अलावा जिनको हमने इन्वाइट किया था वो सभी लोग आए हैं, तो ऐसे भी करके 17-18 लोग बच्चे वगैरह को मिला के हो गए थे। मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, बिकॉज सत्यनारायण की कथा करवाना और उसको सुनना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इसका फल होता है। तो आप लोग भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर लीजिए, सत्यनारायण भगवान आप सबकी इच्छा को पूरा करें और सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें और सुरक्षित रखें। जगदीश हरे।
ज़्यादा मैं कुछ ना शूट नहीं कर पा रही थी, मुझे जहाँ जहाँ याद आ रहा था कि अरे कैमरा भी लगाना है वहाँ वहाँ मैं बोल दे रही थी, अदरवाइज़ बहुत सारे मोमेंट ऐसे ही मतलब निकल गए, मैं शूट नहीं कर पाई। और अभी पूजा हो गई है, सबने प्रसाद खा लिया है, उसके बाद किचन में मैं आई हूँ फटाफट, क्योंकि और सारे जो गेस्ट हैं उनका तो कुछ नहीं, वो लोग तो शाम तक रहने वाले हैं, लेकिन पंडित जी को थोड़ा जल्दी होती है ना, तो पंडित जी के लिए खाना फटाफट करके देना है। तो ये भाभी हैं जिनसे आप पहले एक बार मिल चुके हो, तो ये भी आ गई है किचन में। मेरी एक फ्रेंड है और एक जो मेरी देवरानी है रिलेटिव में, वो आई है, और पूनम भी अभी थी लगभग एक घंटे के लिए, वो भी कुछ कुछ हेल्प कर रही थी। और मम्मी और श्वेता बहुत लेट हो गए आने में, वो निकल तो गए थे टाइम पे, लेकिन आज संडे के दिन आप लोगों को होगा याद कि बारिश बहुत हुई थी, तो बारिश की वजह से काफ़ी ट्रैफिक, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, इतना लेट हो गया कि पूजा छूट गई। अदरवाइज़ वो इस हिसाब से निकले थे कि पूरी शुरुआत तो नहीं पूजा की, लेकिन हाँ आधी पूजा तक वो लोग यहाँ पहुँच जाने चाहिए थे, लेकिन पहुँचे वो तब, पूजा ख़त्म होने के 5 मिनट बाद वो लोग पहुँचे हैं यहाँ पे। अभी पंडित जी को खाना भी हम लोगों ने खिला दिया था इस टाइम तक, और अभी हम बच्चों को फटाफट खाना देने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोपहर हो गई थी, बच्चे भूखे थे, सब अपने अपने घर से नाश्ता कर कर आए थे ना, तो बच्चे काफ़ी भूखे हो रखे थे। वैसे प्रसाद वगैरह ना बच्चे उतना ऐसे नहीं खाते कि पेट भर जाए या कुछ ऐसा, थोड़ा थोड़ा चख लिया था सबने, तो फटाफट हम पंडित जी के बाद बच्चों का खाना लगा रहे हैं, फिर जितने भी जेंट्स लोग हैं उनका खाना लगेगा, फिर लास्ट में हम लोग खाएँगे। बच्चों के खाना खाने के बाद हम लोग बैठे खाना खाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे शूट करना ही बिल्कुल भूल गई, और ये हमारा खाना लगभग सबका हो चुका है, मतलब एकदम लास्ट चल रहा है। श्वेता को तो खाना हो गया, वो उठ भी गई और सामान भी उसने रखना शुरू कर दिया धीरे धीरे किचन में वापस। तब मेरे दिमाग में आया, अरे हमने अपना तो कुछ शूट ही नहीं किया कि हम लोग आराम से खाना खा रहे हैं बैठ के। तो बस ये हमारी पार्टी रही, खाना सबको पसंद आया ऐसा सबने बोला मुझे, मुझे नहीं पता बट सबको अच्छा लगा खाना। और बस यही थी पूजा, और उसके बाद हम लोगों ने सबने बैठ के बातचीत किया, रिलैक्स किया, जो दूर के लोग थे वो चले भी गए थे, जो पास के थे वो शाम तक बैठे भी। और जब सब लोग चले गए तो फिर हम लोगों ने बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स किया। मैं तो सुबह से जब से उठी हूँ तब से एक पैर पे ही खड़ी हूँ,
तो अब मुझे जाके ना एकदम थकावट सी होने लगी थी। जब तक आप काम करते रहो ना तब तक आपको बिल्कुल भी थकावट फील नहीं होती है, ऐसा लगता है कि वही एनर्जी है बॉडी में। जब एक बार बैठ जाओ ना तो बैठते के साथ ही ऐसा लगता है कि बस अब तो बहुत थके हुए हैं। तो जैसे ही मैं बैठी ना मुझे लगने लगा कि अरे हाँ अब मैं थक गई हूँ। तो थोड़ी देर यहाँ पर रिलैक्स किया मैंने, उसके बाद फिर मैं उठ गई क्योंकि मम्मी और श्वेता आज ही चले जाएंगे। श्वेता के एग्ज़ाम चल रहे हैं इसीलिए वो यहाँ पर आई हुई थी, अपने एग्ज़ाम दे रही थी पिछले 20-25 दिनों से। तो उसका एक लास्ट एग्ज़ाम मंडे को है तो निकल जाएगी, मम्मी भी साथ ही चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि जाने से पहले चाय तो कोई पीना नहीं चाह रहा था, गर्मी भी बहुत हो रखी थी और चाय अवॉइड ही करते हैं आजकल लोग। तो मैंने सोचा कि और ठंडा मैं स्प्राइट वगैरह था वो पी चुके थे पहले, तो मैंने सोचा कुछ बनाती हूँ बढ़िया सा। कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाएगी और ठंडी भी रहेगी, तो किसी को पीने में ये नहीं लगेगा कि हाँ गर्मी में गर्म गर्म पी रहे हैं। तो बस बनाऊँगी कोल्ड कॉफ़ी, हम लोग इन्जॉय करेंगे और उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करेंगे और फिर मम्मी और श्वेता भी निकल जाएंगे। श्वेता के हस्बैंड भी आने वाले थे लेकिन कुछ बहुत ही अर्जेंट काम हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी दूर उनको जाना पड़ा था यहाँ से जहाँ हम रहते हैं। वो करने के बाद भी फिर वो आने के लिए तैयार थे लेकिन वहाँ पे बारिश और ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रखा था कि आते आते बहुत रात हो जाती, तो इसी वजह से उनका आना हो गया कैंसिल। और वैसे भी मम्मी और श्वेता को बस अभी थोड़ी देर में निकल जाना था, तो बस अभी कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी देर बातचीत करेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ एक रिचुअल होता है जैसे कि शादी करके जब भी मायके में आती है लड़की या फिर ससुराल में भी जब लड़की जाती है तुरंत शादी करने के बाद नहीं, आप जितनी बार जाओ उतनी बार ये रिचुअल रिपीट होता है। जब चलने लगते हैं ना तो कोंछा भरा जाता है, तो मैं जब भी मम्मी के यहाँ जाती थी तो कोंछा मतलब मुझे भरा जाता था। तो अब तो श्वेता मैरिड हो गई है तो मैं आज पहली बार भरने जा रही हूँ कोंछा, तो आगे आपको दिखाते हैं वो। ये कोंछा भरने की रस्म होती है, तो ये मैंने विदाई में किया था श्वेता का, फिर समझ लीजिए सेकंड टाइम कर रही हूँ लेकिन अपने घर से फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो इसमें चावल सिंदूर दूब और मीठा उठा वो सब डाल करके सूप में से और इस तरीके से किया जाता है और सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ बहुत चीज़ें मैं भूल भी रही थी तो मम्मी बीच बीच में बता रही थी ऐसे करो वैसे करो। ये सारी चीज़ें हम लोग रेगुलर बेसिस पे तो करते नहीं हैं और ना ही जैसे देखते भी हैं ज़्यादा, तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ दिमाग से ना स्किप हो जाती है। और वैसे भी मैं तो एकदम भुलक्कड़ हूँ, मेरे दिमाग से तो चीज़ें कुछ ज़्यादा ही जल्दी फिसलती हैं। तो फिर पूछ पूछ के जो भी था वो मैंने किया, प्रसाद वगैरह पैक किया और मिठाई वगैरह पैक की। और श्वेता फर्स्ट टाइम आई है तो जो मेरा मतलब
होता है ना कि जो मुझे उसे गिफ्ट करना था वो भी मैंने कर दिया। तो बस यही था आज का दिन। ज़्यादा आप लोगों से बात करने का मुझे फुर्सत भी नहीं मिला, लेकिन आज की पूजा ने मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दिया है। बहुत बहुत अच्छा आज का दिन गया और बहुत रिलैक्स थी मैं पूजा होने के बाद। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। कई बार होता है कि आप कुछ भी पूजा कर रहे हो, मन नहीं लगता है, और कई बार आपका मन बहुत लगता है, आप रम जाते हो, वो चीज़ आज हुई। तो मैं बहुत ही रिलैक्स थी आज। तो मैं छोड़ने जा रही हूँ नीचे तक, और बस उसके बाद आने के बाद खाना पीना तो कुछ ना ही बनाना था, थोड़ा बहुत रखा हुआ था। और यहाँ पे हमारी फ़िश ये भी रिलैक्स कर रही हैं। और इसके बाद फिर हमने ना थोड़ा सा टीवी चला के हम लोग बैठ गए थे, तो हमने एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखी मिस्टर बीन की। वैसे जो एक्टर है उनका नाम कुछ और है, लेकिन मुझे लगता है आधी दुनिया उनको मिस्टर बीन्स के नाम से ही जानती होगी। तो उनकी न्यू सीरीज़ आई है अभी 2022 में ही लॉन्च हुई है, बच्चों के लिए है, मैन वर्सेस बी। बहुत ही अच्छी है, अगर आपके बच्चे 7+ हैं ना तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग देखना। मतलब आई थिंक 9 एपिसोड हैं और 10, 12, 11 मिनट के ऐसे छोटे छोटे एपिसोड हैं, तो हमें बहुत अच्छी लगी, मन फ्रेश हो गया उसको देखने के बाद भी। लाइट एंड स्वीट मूवी है काफ़ी। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।